वाहे गुरु। वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई पल मानो, जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, हमें अंधले अंध बिख बिखराते, हमें अंधले अंध बिख बिखराते, क्यों चले गुर चाली, क्यों चले गुर चाली, सतगुर दया करे सुखदाता, सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावे आपन पाली, हम लावे आपन पाली, हम लावे आपन पाली, हम लावे आपन पाली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली,
संत सुनो जन पाई हर के संत सुनो जन पाई गुर सेवे हो बेग बिगाली गुर सेवे हो बेग बिगाली सतगुर सेव करच हर बांधो सतगुर सेव खर्च हर बांधो मत जानो आज काली मत जानो आज के काली मत जानो आज के काली मत जानो आज के गुर सिख मीत चलो गुर चाली गुर सिख मीत चलो गुर चाली हर के संत जपो हर जपना हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली हर संत चले हर नाली जिन हर जपिया से हर होए जिन हर जपिया से हर होए हर मिलया केल हर मिलया केल के लाली हर मिलया केल के लाली गुर सिख मीत चलो गुर चाली गुर सिख मीत चलो गुर चाली हर हर जपन जप लो चलो जानी हर हर जपन जप लो चलो जानी हर कृपा कर बनवाली हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेलो जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना हम साध जना पगराली हम साध जना पगराली हम साध जना पगराली गुर सिख
मीत चलो गोर चाली गोर सिख मीत चलो गोर चाली गोर सिख मीत चलो गुर चाली जो गुर कहे सोई पल मानो हर हर कथा निराली जो गुर कहे सोई पल मानो सो सिख सखा पंत परे पाई जे गुर के पाने विच आवे गुर कहे साकार कमावो त्यागे मन की मतड़ी रे सारे दूजा पाओ जियो जो गुर कहे सोई पल मानो जो गुर कहे सोई पल मानो हर हर कथा निराली गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो पल के उठ हर नाम ते आवे उद्यम करे पल के प्रभाती इशनान करे अमृत सर लावे उपदेश गुरु हर हर जप जापे सब किल बिक पाप दोख लह जावे फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे बहते उठते हर नाम ते आवे जो सास ग्रास ते आए मेरा सो गुर सिख गुरु मन पावे जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे जन नानक तूड़ मंगे तिस गुर सिख की जो आप जपे अवरे नाम जपावे जो गुर कहे सोई पल मानो जागत जोत जपे निसबासुर एक बिना मन नेक नया ने पूरन प्रेम प्रतीत सजय व्रत गोर बड़ी मठ पूल न माने तीर्थ दान दया तप संजम एक बिना नह एक पिछाने पूरन जोत जगे कट में तप खालस तहे नखालस जाने जो गुर कहे सोई पल मानो कबीर मन मुंडिया नहीं केस मुंडाए काए केस मुंडाए काए साबत सूरत दस्तार सिरा जो गुर कहे सोई पल मानो बिखे बन फीका त्यागरी सकिए नाम महारस पियो मानस परे आयाणिया मानस परे आयाए जित पीते मत दूर होए बरल पवे विच आए अपना पराया ना पछाण खसमो तके खाए जित पीते खसम बिसरे करके मिले सजाए झूठा मदमूल न पीजे झूठा मदमूल न पीजे जेका पार वसाए जो गुर कहे सोई पल मानो
जो गुर कहे सोई पल मानो हर हर कथा निराली। मन का सूतक लोभ है जिह्वा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना पर तेरे है पर तन रूप। कन्नी सूतक कन पे लाए तबारी खाए, नानक हंसा आदमी पत्ते जमपुर जाए। जो गुर कहे सोई पल मानो। पर त्रय रूप न पेखे नेत्र, हों तिस कोल कुमाया पर नारी ते नेड़ न जावे। सुत जपते हम तरी वचन गुर दे हमारे, भूत इह तन तोहे प्राण जब लग कट थारे। निज नारी के साथ देहो तुम नित बढ़ियो, पर नारी की सेज पू सुपने हु न जइयो। या किए जित जम मेरा जान, जो गुर कहे सोई पल मानो। कबीर भांग माश दी सुरापा, कबीर भांग माश दी सुरापा, जो जो प्राणी खाए तीर्थ बर्त नेम किए, ते सबे रसा तल जाए। जो गुर कहे सोई पल मानो। मास खान गल वड के हालत नाड़ा कौन हवसी, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय। गुर पी रहा माता परे जामुरदार न खाए, जामुरदार न खाए। जो गुर कहे सोई पल मानो। रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाही, रहनी रहे सोई सिख मेरा ओ साहिब मैं उसका चेरा। रहत बिना नह सिख कहावे, रहत बिना दर चोटा खावे। अपने पाने जो चले पाई बिछड़ चोटा खावे। जो गुर कहे सोई पल मानो। पांच सिंह अमृत जो देवे ताको सिर तर शक पुन लेवे। पुन मिल पांचो रहत जो पाके ताको दृढ़ कर मन में रखे। जो गुर कहे सोई फल मानो, गुर कहे सोई फल मानो, हर हर कथा निराली। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, मीत चलो गुर चाली, मीत चलो गुर चाली। वाहिगुरु। इहु मन सुंदर अपना, हर
नाम मजीठ है रंगरी, एहो मन सुंदर अपना, हर नाम मजीठ है रंगरी, एहो मन सुंदर अपना, हर नाम मजीठ है रंगरी। त्याग सियाणप चातुरी, तू जान को पाले संगरी, त्याग सियाणप चातुरी, तू जान को पाले संगरी, मन सुंदर अपना, हर नाम मजीठ है रंगरी, एह मन सुंदर अपना, हर नाम मजीठ है रंगरी। सगल गुणा गुण उत्तमो परता दूर न पेकरी, त्याग से आण चातुरी, तू जान गोपाले संगरी, त्याग से आण चातुरी, तू जान गोपाले संगरी, एहो मन सुंदर अपना, हर नाम मजीठ है रंगरी, एहो मन सुंदर अपना, हर नाम मजीठ है रंगरी। परता कहे सो मानिए, एहो शिकार बनाए री, दूजा पाओ विसारिए, एहो तंबो त्याग से आण चातुरी, तू जान गोपाले संगरी, त्याग से आण चातुरी, तू जान गोपाले संगरी, एहो मन सुन अपना, हर नाम मजीठ है रंगरी, एह मन सुंदर अपना, हर नाम मजीठ है रंगरी।
कर दीप को एह सत की सेज बिछाएरी। आठ पहर कर जोड़ रहो तो बेटे हर रायरी। त्याग से आड़ चातुरी तू जान गोपाल संगरी। त्याग से आणप चातुरी तू जान गोपाल संगरी। एह मन सुंदर अपना साई रूप अपारी। साई सुहागण नानका जो पानी कर तारी। त्याग से आणप चातुरी जान गोपाल संगरी। त्याग से आणप चातुरी तू जान गोपाल संगरी। एह मन सुंदर अपना पर नाम मजी रंगरी। एह मन सुंदर अपना और नाम मजी है रंगरी। और नाम मजी है रंगरी। और नाम मजी है रंगरी। डगमग डगमग शाडरे मन बोरा शाडरे मन बोरा। डगमग डगमग शाडरे मन बोरा शाडरे मन बोरा। डगमग डगमग शाडरे अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ संगोरा। शाडरे मन गोरा डगमग डगमग शाडरे शाडरे मन बोरा शाडरे मन बोरा।
माया के डांडे मन रे शाटो पर में प्रगट हो नाचो क्या माया के डांडे सूर के सन मकरण ते डर पे सती के साचे पांडे सूर के सन मकरण ते डर पे सती के साचे पांडे अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ संदोरा शाट रे मन बोरा डगमग शाट रे मन बोरा शाट रे मन बोरा डगमग शाट रे मन बोरा शाट रे मन बोरा विद जगत बिकूता काम क्रोध माया के लीने या विद जगत बिकूता कह कबीर राजा राम न छोटो सगली ऊंच ते ऊंचा कबीर राजा राम न छोटो सगली ऊंच ते ऊंचा अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ संदोरा शाट रे मन भोरा शाट रे मन बोरा शाट रे मन बोरा डगमग शाट रे मन बोरा शाट रे मन बोरा पहला मरण कबू जीवन की शटया ओह सपना की रेणुका तो आओ हमारे पास गगन दमामा बाजे पर निशान का खेत जो मांडे ओ सूरमा अब जूझन को दा सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के खेत पुरजा कट मरे कबहु ना शाडे के अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए हाथ संदोरा शाट रे मन बोरा डगमग डगमग शाट रे मन बोरा शाट रे मन बोरा डगमग डगमग शाट रे मन बोरा शाट रे मन बोरा शाट रे मन बोरा शाट रे मन बोरा वाहे गुरु शब्द गुरु
चावर तख्त छत्र दे मालक ज्ञान दे महासागर भगत वशल राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान सतगुरु चावर छत्र तख्त दे मालक जुगो जुग अटल समुची मानवता दे कल्याणकारी सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी पावन पवित्र गोद अंदर संगत सरूप रात्रि दे दीवान समय जिन्हें शरीर जुड़े हाँ मन बिरतियां दी एकाग्रता रसना दी पवित्रता वास्ते साहिबे कमाल चोजी प्रीतम सरबंसदानी अमृत दे दाते सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी वल्लों बख्शी होई फतेह दीनता सहित प्रवान करनी कोई भी रसना अजेही ना होवे जो वांझी रह जाए सारी संगत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं फिर बेनती करा इन्नी भी रात डूंगी नहीं चली गई कि जिन्नी वड्डी गिणती दे विच बैठे हो तुहाडी फतेह दा पता लग जाना चाहीदा है। आवाज़ ढिली क्यों फिर आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने महान कृपा कीती गुरु मान्यो ग्रंथ सेवा सोसाइटी समुचे वीर जो सतगुरु जी की बख्शिश द्वारा आप सरबा संगत दे सहयोग दा सदका सतगुरु दा पैगाम घर घर दे विच पहुँचाउण वास्ते आए साल जतन करदे ने इस साल भी उपराला कीता गया। महान शहीदां नूं याद करदिआं बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते सरबत दे भले वास्ते इह हर साल जतन कीते जांदे हन। सो अरदास दे अंदर असीं शब्द वरतदे हाँ इह कह लईए कि सिख रोज़ करीबन दो वार तां अरदास करदा ही है नितनेम तों बाद और उत्थे शब्द वरतदा है जिन्ना सिंघां सिंघणियां धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नल चीरे गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। आपां शब्द वरतदे हां और जिन्हां दे लई इह सानूं हुक्म है कि ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु ओ जिहड़ा बोलो जी वाहिगुरु है किन्ना क ध्यान रखना है। ये कह लिए कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज उन्हां दा एक एक बचन मेरी सुरत विच भी होवे मेरी करनी विच भी होवे मेरे बोलण विच भी होवे ते मेरे चलण विच भी होवे लिखण विच भी होवे सोचण विच भी होवे किन्ना क ध्यान रखना है। मन साचा मुख साचा सोए अवर ना पेखै एकस बिन कोए नानक हे लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। जिवें मेरे तो पहला भाई साहब बेनती कर रहे सन मन दे अंदर शब्द टिकया है तन ते बाणा पंज ककारी रहत है और उहदे विच इन्नी क निर्माणता इन्ना क ध्यान धरिया गया महान शहीदां नूं याद करदे आ कि सिख ने ना तां बिना कृपान पाए ब्रह्म ज्ञानी होण दा किते दावा करना है
ते ना कृपान पा के झूठ बोलन दा किते हिया करना। इन्ना क ध्यान मंगदे ने शहीद, इन्ना क ख्याल रखी। मैं फिर बेनती कर दिया, बिना कृपान पाए ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकते। आ जिहड़े कह दिंदे ने मन सच्चा होना चाहिए जी, अमृत की किड्डी क गल है। ये जेड़े बहुत वड्डे सियाने बन गए ने गुरमुखो, गुरु की मर्यादा नू कटड़ताई दसदे ने, ते मन मर्जी नू शरदा दा लेवल ला के ते फिर पूजता करदे। इसलिए बिना कृपान पाए ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकते, ते कृपान पा के झूठ भी नहीं बोल सकते। इन्ना क ध्यान रखना है, क्यों? ओ जेड़े शहीदां दी याद च बैठे हो, उन्होंने सतगुरां दी बाणी लई, सतगुरां दे अदब लई, सतगुरां दे प्रचार प्रसार लई, सरबत दे भले लई, सतगुरां दी होंद नूं बरकरार रखण लई अपने तन ते बाणी, मन च बाणी वसाई, तन ते बाणा वसाया, अदब कीता और लोड़ पई तां तन भी कुरबान कर दिते। आशिक हैं जो शहादत के वो जीना छोड़ देते हैं, खिलौना समझ कर जिस्म को खुशी से फोड़ देते हैं। ना तख्तों ना ताज ना हूरों की हसरत, खुदा भी दे खुदाई तो वापस मोड़ देते हैं। ओ शहीद गुरु नू इन्ने क समर्पित ने, वो किसी शरदा दे मुथाज नहीं भी असी ते शरदा करके गुरुद्वारे आने हैं। अज शरदा नू ठेस वज गई ते कल नू गुरुद्वारे आना बंद करता, ये शहीदां दी फितरत नहीं। असी तां प्रेम करके आने हैं, कोई गल किसी ने कह दिती तां विरोध विच खड़ के दुश्मन बन जाना, वो किसी प्रेम दे मुथाज नहीं ते किसी शरदा दे मुथाज नहीं। ओ जे मुथाज ने ते केवल ला एंड ऑर्डर दे, जे सुख दे तां तुझे अराधी, दुख भी तुझे त्याई, जे भुख दे तां इत ही राजा दुख विच सुख मनाई। यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, हालात किहो जे होण ओ मैना नहीं रख दे उन्हां वास्ते। दुख ने सुख ने जन्म मरण खुशी गमी, मिलन विछड़न वाले जवानी दे हुलारे बुढ़ापे दियां चिंतावां, इन्हां सारियां गल्लां नूं शहीद सर कर जांदे ने, जित जाया करदे ने, उन्हां ने जितियां ने, ते अज उन्हां दे नक्शे कदम चलना साडा फर्ज बनदा है। एक तां तुसीं उन्हां शहीदां दी याद मना रहे हो जिहड़े जिन्हां सिंघां सिंघणियां गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां, ते दूसरे पासे तुहाडी सुसायटी उदा ना ही गुरु मान्यो ग्रंथ सेवा सुसायटी है। ते जे साडे विच वी गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मन्नण तों असी किते भज रहे हां, तां मैनूं खिमा करिओ, फिर साडे ते इह गल्लां ढुकदियां नहीं। इह चीज़ां जिहड़ियां ने इक धर्म तों हट के रह जाणगियां। सो बेनती करां, आओ अज अपनी जिंदगी दे नाल इन्ना क प्रण करिओ, सतगुरु रहमत करनी, साडा मुढ भी शब्द, साडा अंत भी शब्द, साडा जन्म भी शब्द, साडा मरण भी शब्द, साडी खुशी शब्द, साडी गमी भी शब्द, साडा लोक भी शब्द, साडा परलोक भी शब्द। क्यों? असी आए भी शब्द विचों हाँ, असी समा भी शब्द विच जाना है। मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तै तुम राखण हारे, माता के उदर में प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारी है। ये सतगुरां ने सानू दातां दित्तियां, पहले गुरु नानक साहब तो लैके धन गुरु गोबिंद सिंह साहब तकर शब्द गुरु है, बाणी गुरु है, गुरु मान्यो ग्रंथ हुक्म है। असी इहदे तो लांभे नहीं जाना, ते जिस लई इन्ने वड्डे हुक्म कीते होण, ते सिख ने बाणी कमाउंदिआं शहीदां दी याद च बैठे हो, ते कदे भाई अनोख सिंह नूं याद करो। अमृतसर साहब दी माल मंडी अंदर बुच्चड़ा ने कैद कीता होया है, जेड़े बुच्चड़ पुलसीए सन
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿੰਨ ਛੱਡਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖੋਪਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾ ਦੱਸੀ ਦਿਨ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਅਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਵੱਢੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦਿਨ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚ ਵਸੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਏ 19-19 ਰਾਗਾਂ ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ, ਤਖਤੋ ਤਾਜ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੋ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਦਬ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਕੀਮਾ ਕੀਮਾ ਕਰਵਾ ਛੱਡਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਭਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਨਾ ਬੰਨਦੇ ਫਿਰੋ। ਵਿਆਹੁਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਪਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰਿਓ। ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਮਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾਨਕ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਵਾਚ ਗਏ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਤੋਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਸੰਤ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਕਨ ਦੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵੀਰ, ਖਾਲਸਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1920 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ। ਅੱਜ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ 1873। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1873 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਵਡਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਨਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਏ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸ੍ਰਵਨੀਏ ਨਾ ਸੁਣਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨੱਥਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ
होर बेअंत सिखा नू महाराज जी ने आख्या आ शब्द गुरु पाए के गाओ संगीत दे नाल इस नू जोड़ो। पर अज मैं वेखदा है वड्डे वड्डे कठां च उत्थे कवितावां उत्थे गीत कीर्तन रूपी बना के पेश कीते जा रहे ने, सानू शब्द गुरु तो दूर कीता जा रहा है। ये बीमारी है और दूर करन वास्ते जिन्नू कदे तुसी दम दमी बीड़ आखदे सी, अज ओ दम दमी बीड़ लड़ी वार नहीं रही, अज ओ पद छेद कर दिती। शब्द गुरु तो दूर करन वास्ते ओ जेड़ी लिखी जांदी सी भाई गुरदास बाबा बुढ़ा साहिब जिया दे वर्गे सिखां नू ला के, भाई इधर मनी सिंह जी बाबा दीप सिंह जी वर्गियां तो सुवावां लईयां जांदियां सन, अज ओ मशीनां दे राहीं महाराज जी दे सरूप छापणे शुरू कर दिते। इत्थे बस नहीं, जेड़ी दम दमी बीड़ सी कदे गुरद्वारा राम साहिब जी तो लिखवाई जांदी है, अज ओ मेड इन चैना बन के चैना दे विच सरूप छपदे ने, उहदे च छेड़छाड़ हुंदी है। तुसी कहने हो महाराज जी का स्वरूप पालकी साहब च लैके जाने, सोने की पालकी अकाल तख्त साहब तो दरबार साहब, दरबार साहब तो अकाल तख्त साहिब, उत्थे सोने की पालकी ते मैं पूछना चाहना है वो जेड़ा गुरु ग्रंथ साहब होर है ते जेड़ा तुसी प्रकाश किया कि ये होर है सोचो, ते जेड़े मेड इन चैना बना दिते वो होर सन, उन्होंने डब्बिया च बंद करके यूपीएस राही सिगटा पीण वाले गोरे अमरीका की धरती से इवें वंडते फिरते सन जिमें कोई साजो समान किसी लोगों के घर छड़ना होवे। ते जेड़े प्रबंधक सी उन्होंने वो बोरिया वो डब्बे लवा के चोरी संगत नू पता ना लग जाए अंदर रख दिते गुरुद्वारियां दे, सानू उहदा पता लग्या भाई सुखविंदर सिंह नागोकिया दे राही और भाई हवारा कमेटी बनी जेदे राही ओ सारे दे सारे सरूप लब्बे दोषी नंगे कर दिते गए। ते मैनू खिमा करियो आ जेड़े दिहाड़ी ते जथेदार लाए होए ने इन्हां 125 डालरां दी देग ला के उन्हां दोषियां नू माफ करके बरी कर दिता है, कित्थे साडा गुरु ग्रंथ साहिब नाल नाता रह गया। 328 सरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चोरी वेच दिते, 204,536 अंग लापता कर दिते, 982,700 रुपया साई ते कागज दा खा गए ने, पेश नहीं गई शब्द खा जांदे, 992,886 अंग चोरी छपे ने, 61 सरूप चोरी तैयार करके कवलजीत सिंह नूं दित्ते जांदे ने, 125 सरूप बिना जिल्दां दे बिना रुमाला साहिब दे नंगे पए सन, उन्हां दे दड़े लगे हुए सन अखबारां दी तरह उत्ते मिट्टी पई हुई सी। एडवोकेट ईश्वर सिंह कहिंदे वेख के मेरा अंदर पाट गया, बर्दाश्त नहीं होया, उन्हें लिखिया इन्हां दोषियां नूं फौजदारी मुकदमे दर्ज करके सजा दित्ती जाए। 10 लाख फर्मे प्राइवेट बंदियां तो फड़े गए, सैकड़े सरूप अग दी भेट चढ़ गए, किथे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रबंध विच। गुरुद्वारा रामसर साहब कि ये साड़ी शरदा है, असी कुसके हैं उत्थे, आ वड़े वड़े ज्ञानी तुसी बुलाउने हो मुबारकबाद बुलाओ उन्हां नूं, कोई कहिंदा जी 31,000 दिओ, कोई कहिंदा 51,000 दिओ, प्रचारक संभालो, मैं कहिंदा लख लख रुपया दिओ, पर नाल पुछो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बारे की स्टेटमेंट है। ते जे भाई साहब तुसी गुरु ग्रंथ साहिब लई नहीं बोल सकते ते फिर तां तुसी 31 रुपया दे वी नहीं रह गए, कराउणा की है तुसी, फिर मेरे दुआले कादे तो होने। 35 महीने हो गए तंबू ला के बैठे नूं, तुहानू किसानी मोर्चे का भी हेज सी तुसी दिल्ली गए, तुहानू करोने का भी हेज सी तुसी दवाइयां वंडन गए, तुहानू हड़ां का भी दुख सी, मैं भी तुहाडे नाल आ गए, आपां जाना चाहीदा सी, फिर 328 सरूपां ते साडी जिहड़ी चुप है इसनू की समझिया जाए। सोने की पालकी नूं मोढ़ा लाउणा इनू धर्म समझदे हो, मुबारकबाद लाओ
पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बाबत चुप रहन नूं धर्म नहीं पखंड समझिया जाएगा। ये कहिंदे कुछ होर ने करदे कुछ होर ने। अज कहिंदे जी सिखां दी हालत बड़ी माड़ी है। माड़ी तां होएगी जब बेगहे पिपरन कीरी। बाप छड़ गए प्यो नूं छड़ दिता है। जे बोलो भाई साहब जी ये ना बोलियो ये गल्लां ना करियो ते बहुत ही गल है। ते जे ये गल्लां नहीं करनियां फिर करनियां केड़ियां तुसीं भी। गुरु ग्रंथ साहिब चोरी वेचण वाले वह भी इत्थे आके सरोपा लै जाण ते जिहड़ा पुलिस प्रशासन उन्हां चोरां नूं बचाउंदा आया वह भी सरोपा लै गए ते सरकार भी चोरां नूं बचाउण वाली सरोपा लै जाए ते फिर की आखांगे। चंदा भी देते हैं मैखाने में भी जाते हैं। खुदा भी राजी रहे शैतान भी नाराज ना हो। ये दोगले बंदियां दा कोई धर्म नहीं हुंदा ते दोगले बंदे कदे धर्मी नहीं हुंदे। आओ बेनती करदा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सेवा सोसाइटी है गुरु मान्यो ग्रंथ ते जिन्ना शहीदां दी याद विच बैठे हो वह गुरु ग्रंथ साहिब लई शहीद होए उस पंचायत लई जिहड़ी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर विराजमान है। जे ना सुधरे ना आवाज दिती मारो भी गए ने मार आपां भी जाणा है पर रौण वालियां पुश्तां ने बख्शना नहीं। अगे असीं ननकाणा साहिब तों हथ धो बैठे वह भी समा आऊ जे दरबार साहिब दे दुआले इन्ना कुछ हो रहा ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कित्थों सुरक्षित रखोगे तुसीं। हुण तां इस तरह के सिर फिरे भी आ गए उन्हां पंजां प्यारियां ते किंतु कर दिता। वह कहिंदे जी पंज प्यारे हिंदुआं विचों सन। असीं कोई हिंदू भरावां दे वैरी नहीं पर किसी की नस्ल खुशी करदे नहीं। जबकि गुरु नानक दे जेड़े सिख सन जिन्हां ने आवाज दित्ती सी ना हम हिंदू ना मुसलमान अल्लाह राम के पिंड प्राण ओ पंचायती गुरु उन्हां दे वारस जिन्हां ने जनेऊ पाउण तो इनकार कर दिता जेड़े बुत पूजक नहीं जिन्हां ने एक विसाख नूं खालसे की सिरजना कर दिती। और वो जेड़े पंज प्यारे सन जे उन्हां नूं सिखां चों समझिया जाए ते गुरु साहब ने नीवियां जातियां विचों वो इकट्ठ कीता सी ते नीवी जाति वाले नूं तां शूदर आखदे सन। फिर वो किवें जोड़ दिते जिन्हां ने पग्गां च सिर फसाए ने ये सरकारी सिख ने गुरु दे नहीं ये गुरु पंथ के विरोधी स्टेटमेंटा देण नूं रखे ने। ये एक दिन गुरु ग्रंथ साहिब ते भी तर्क करनगे ये गुरु साहिब नूं कुछ होर भी दसणगे। इसलिए बेनती करदा गुरमुखो आओ उन्हां सिंघां नूं शहीदां नूं याद करदे आ समुचे तौर ते संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा समुचे शहीद वर्तमान समय दे जां साडे पछोकड़ दे विच जिहड़े शहीद होए ने उन्हां सारियां नूं याद करदे आ। आओ नतमस्तक होइए कलगीधर दे पुत्तर धीओ अमृतधारी हो के जियो सिंह सज्जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जियां दे चरणा दे नाल जुड़ो। जदों कुछ नहीं सी शब्द सी जिस दिन कुछ नहीं बचना शब्द होना है। मां दे पेट विच पुठे लमकियां नूं शब्द ने रखिया है। जिदन धरती तो चले जाना है उदन भी नाल शब्द गुरु ने जाना है। एक बच्चे ने जज बनना है वह भी शब्द का आसरा लैंदा है। एक बाबे लैणे ने नानक बनना है वह भी शब्द का आसरा लैंदा है। एक पतंगा एक भवरा कागज दे फुल बना दिओ कागज दे दीवे बना दिओ ना पतंगे नेड़े आउंदे ने ना भवरे बैठदे। दूसरे पासे मिट्टी दे तुसी जीव जंतु जानवर बना दिओ मिट्टी दे बनाए हुए जानवरां दा शिकार ना शेर करे ते ना बिल्लियां करन ते ना उन्हां नूं मन्नण।
असी किधर दे सियाने हो गए कि शब्द गुरु नू छड़ के आ मिट्टी दियां बनाईयां मटियां नू रब बनाई बैठे की बनू साडा। आओ शब्द गुरु दे लड़ लग के अपनी सुरत नू इन्ना उच्चा ले जाइए कि साड़ी जीवन शैली साड़ी जिंदगी साड़ा लक्ष्य मकसद वो पूरा होवे। असी बाबे गुरु नानक तो बाबे लैणे तो नानक होइए, असी चेले तो गुरु होइए, असी मनुख तो परमेश्वर होइए। मालिक कृपा करन और एक दिन सानू जरूर दिओ। समुचे प्रबंधक वीरां नू बेनती करांगा गाहे बगाहे तुही हाजरी भर दिओ, पर उन्हू रूटीन दे विच एक महीने च एक हाजरी साडी उत्थे पक्की करो। 4 नवंबर नू असी वी उत्थे समागम रखिया है जिथे असी 35 महीनों तो बैठे हुए। तुसी कृपा करके आयो। जून 84 जां सिख कतलेआम 1, 2, 3 नवंबर गुरु रामदास जी का प्रकाश पुरब, 3 साल पूरे हो के 4th साल शुरू होना है। उस संबंध में असी उत्थे समागम रखे है। तुहानू सारियां नू बेनती करते हैं 4 नवंबर नू अमृतसर साहब जरूर पहुंचो। हो सकता है तुहाडे पहुंचण नाल सरकार नू कोई माड़ी मोटी शर्म आए भी जेड़े पंजाब दे लोकां ने मैनू जेड़े काम लई चुनिया सी उस बाबत शायद वो माड़ा मोटा सोचण लगे। इसलिए 4 नवंबर की हाजरी नू यकीनन बनायो ताकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीआं दे पावन सरूपां दा इंसाफ लिया जा सके। जे चुप रह गए तो चोरां दीआं तस्वीरां अजायब घर च लगणगीआं। इंसाफ मंगण वालियां नू गदार बना के पेश कीता जाऊ। जिवें पिछले दिन ही भाई सुखविंदर सिंह मत्था टेकण गया, उन्नू दौरा पैंदा सी पर करमां च पै गया, डिग पिया। हुण चाहीदा सी उन्नू फस्ट एड दित्ती जांदी, चुकिया जांदा, क्योंकि गुरु घर भाई कन्हैया है, दुश्मन नू वी मल मलाउंदा है, डिग्गे नू चुकदा है, प्यासे नू पाणी दिंदा है। उत्थे पता की होया, 50 नंबर कमरे च खड़ के ओदी कुट मार कीती, ओ उठण जोगा ही नहीं छड़िया। मां मंजी ते पई, प्यो है नहीं, दिहाड़ी लाउण वाले लोग हफ्ते बाद बस लैके दरबार साहब जांदे। गुरु ग्रंथ साहब तां साडे तो दूर जा रहे ने, कीता जा रहा है। ये दरबार साहब नूं वी तशद्दद घर सीए स्टाफ बनाया होया। सोचो शहीदां दे वारसो ते शहीदां दे वारसां दी ड्यूटी की है। आओ लामबंद होइए, इस तरह गुजारा नहीं। तुसी मैनू विरोधी कह दोगे काखी जाओ, पर वो जिहड़ा सुखविंदर सिंह सी वो तां विरोधी नहीं सी, किसी पार्टी का भी नहीं सी, सियासी भी नहीं सी, उहदा की कसूर होया। ते जे संगत उहनां दे पिंड दी नाल ना हुंदी, कुट्टण तों बाद बेअदबी कांड का इल्जाम ला के उहनूं जेल च भी बंद कर देना सी, पुछणा किसी ने नहीं सी। आओ गुरमुखो अपने घर लई लामबंद होइए, सिख नीति लियाइए, पंथ रुशनाइए, अमृत छको सिंह सजो। और नौजवान बच्चे सिंह सज के बाणी बाणे दे धारनी होवो। जे दिल्ली दे काके पंजाब च मंत्री बन सकते ने, अज तुहानू वेटर बनाई फिरदे, ते तुहानू शेरे पंजाब दे वारसां नू की गल होई, तुसी क्यों नहीं लामबंद होंदे? तुसी 40 लाख खर्च के अमरीका लेबर करन दी क्यों सोची बैठे? तुसी भी सोचो, भरा दे मगर भरा भी होवे, भैण मगर भैण भी होवे, फर्ज बनता है आवाज देनी, उदो फर्ज बनता है तुहाडा उहदे ते पहरा दे के उन्हां समस्यावां दे हल लई तुरना। आओ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज रहमत करन, गुरु मान्यो ग्रंथ सतगुरां दी बाणी दे नाल जुड़िए और सतगुरां दा अदब करिए, हिरदे च वसाइए, मन्निए। गुरु मान्यो ग्रंथ पढ़दे जरूर हाँ, नक्शे कदम चल के जिंदगी सफल बनाइए। ब्यंत भुल्लां दी खिमा, दिता होया समा संपूर्ण है, संपूर्णता करां। सारे आखो सतनाम, वाहिगुरु।
जालों ऐसी रीत जित में प्यारा विसरे, जालों ऐसी रीत जित में प्यारा विसरे, जालों ऐसी रीत जित में प्यारा विसरे, 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 जालों ऐसी रीत जित में प्यारा विसरे, जालों ऐसी रीत जित में प्यारा विसरे। नानक साई पली परीत जित साहिब से ती पात्र, नानक साई पली परीत जित साहिब से ती पात्र, जित साहिब से ती पात्र, जालों ऐसी रीत जित में प्यारा विसरे, जालों ऐसी रीत जित में प्यारा विसरे, 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 जालों ऐसी रीत जित में प्यारा विसरे, जालों ऐसी रीत जित में प्यारा विसरे, जित में प्यारा विसरे, जित में प्यारा विसरे। वाहे गुरु। बेअंत पुलां दी खिमा सारियां नूं जीओ आया, सतगुर सब नूं सेहत जापियां, आपसी प्यार गुरसिखी जीवन अमृत दी दात अमृत वेले दी संभालता बख्शन और तोड़ नभाउण दी सतगुर।